स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सिविल एक्टिविटीज में। आज हम बात करेंगे स्लैब कास्टिंग के बारे में। जब भी हम स्लैब कास्टिंग करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें हम स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी ओल्ड ज्वाइंट होती है उस पर हमें नीटो बॉन्ड यूज करना होता है। नीटो बॉन्ड क्या करता है, हमारे पुराने और नए कंक्रीट में जो ज्वाइंट होता है उसको ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे क्रैक्स आने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके बाद हम जो ध्यान देना चाहिए, जो हम वाइब्रेशन जो यूज करते हैं, जो वाइब्रेटर यूज करते हैं, हम स्लैब में 20 mm का वाइब्रेटर यूज होना चाहिए और ज़्यादा वाइब्रेटर यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, अक्सर ब्लीडिंग का कारण हो सकता है, जिससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कमजोर हो सकता है। इस वीडियो में देख सकते हैं वाइब्रेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी हमारी टीम होती है उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ साथ लेवल मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अक्सर कास्टिंग के बाद अगर लेवल सही नहीं होने पे क्या होता है, अंडुलेशन दिखता है, जो कि एक कतई गुड प्रोसीजर नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।